नमस्ते बच्चों। अमू एंड यू चैनल में आप सबका प्यार भरा स्वागत। नया साल है, 2021 है और जनवरी का महीना चल रहा है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये जनवरी का महीना हम सिर्फ पंचतंत्र की कहानियाँ करेंगे। इस नए साल में मैंने कुछ नई नई योजनाएं बनाई हैं और उनमें से एक है कि हम हर महीने अलग अलग किस्म की कहानियां सुनेंगे। आज मैं पंचतंत्र की कहानी लाई हूं और पंचतंत्र की कहानियां, जैसे मैं पहले बता चुकी हूं, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो रोचक होने के साथ साथ ज्ञान का भंडार होती हैं। हम लोगों को कितनी सारी शिक्षाएं देके जाती हैं। हम लोग अर्थात आप और मैं, शिक्षा लेने की तो कोई उम्र ही नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आज भी मैं कितना सीखती हूँ आपसे, कहानी बता के, स्टोरी बता के, पढ़ के, चारों तरफ से कितना सीखने को मिलता है। मुझे ये कहानियाँ पढ़ने में, सुनाने में और सुनने में बराबर का मज़ा आता है। तो चलिए, आज पंचतंत्र की एक और कहानी के साथ मैं आई हूँ। आज की कहानी है घोड़ा और शेर। बहुत समय पहले की बात है, एक किसान रहता था अपने परिवार के साथ। बड़ा खुशहाल किसान था। उनके घर में एक घोड़ा था। वह घोड़ा बड़ा ही वफादार घोड़ा था। बड़े वर्षों से रहते रहते वह सबकी सेवा करता था। किसान को शहर जाना होता था, सामान लेके जाना, बाजार से सामान लेके आना, कितना भी बोझ क्यों ना हो, जितना भी काम हो, हमेशा खुश मन से वह घोड़ा करता। किसान उससे बहुत खुश रहता और इसलिए उसको बहुत प्यार भी करता। किसान का परिवार भी घोड़े को बड़ा प्यार करता। घोड़े के लिए किसान का परिवार ही उसका अपना परिवार था। एक समय किसान को लगने लगा कि ये घोड़ा तो अब बूढ़ा हो रहा है, उम्र हो रही है, काम करने की सक्षमता कम हो रही है। जितनी तेजी से वो चल पाता था थक जाता है, ज्यादा दूर नहीं जा पाता है, उतना बोझा नहीं उठा पाता है। तो किसान को लगने लगा कि भाई, इतने दिन काम तो उसने बहुत अच्छा किया, हमारी इतनी सेवा की, लेकिन आगे अब काम कैसे चलेगा? ये तो समय के साथ साथ और अक्षम होता चला जाएगा। तो मेरा व्यापार क्या होगा? मेरे व्यापार में नुकसान होगा, मेरे कामकाज में नुकसान होगा। तो उसके लिए तो मुझे भाई जवान घोड़ा खरीदना पड़ेगा, नया। तो दो दो घोड़ों को तो मैं नहीं पाल पाऊंगा। दोनों को खिलाना पिलाना, उनकी देख रेख करना, ये मेरी हैसियत के बाहर है। तो बड़े ही कड़े मन से एक दिन उस किसान ने घोड़े से कहा, भाई घोड़े, इतने वर्षों तक तुमने हमारी सेवा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब तुमको जंगल जाना होगा। अब तुम बूढ़े हो गए हो, उतना काम नहीं कर पाते हो, तो मुझे नया घोड़ा खरीदना है। इसलिए तुम अब जंगल चले जाओ, जाकर वहां अपने साथियों के साथ तुम खुश खुश रहो। घोड़े पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसने कभी सोचा ही नहीं था ऐसी बात उसे कभी सुनने को मिलेगी। उसने कहा, मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जंगल चला जाऊं? ये घर मेरा है, आप मेरे मालिक हैं, मैं कहाँ जाऊं? मैं तो इस भरी दुनिया में किसी को नहीं जानता। मैं मानता हूं घोड़े कि तुम किसी को नहीं जानते हो, लेकिन तुम जब जंगल जाओगे तो वहां तुम्हें दूसरे जानवर मिलेंगे, तुम उनके साथ दोस्ती कर लोगे और तब तुम्हें वहां रहना अच्छा लगेगा। नहीं मालिक, मुझे मत भेजो, कहीं मत भेजो, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह पाऊंगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं, सपने में नहीं सोचा कि मुझे कभी यहां आप लोगों से दूर रहना पड़ेगा। अब मालिक बोला, तुमको समझा रहा हूं मैं, भाई मैं तुमको नहीं रख पाऊंगा। मालिक, कुछ भी उपाय करिए, लेकिन मुझे जाने को मत कहिए, मैं कोशिश करूंगा, मैं पहले जैसा ही मेहनत करूंगा।
भाई तुम्हारी कोशिश करने से क्या होगा, शरीर बूढ़ा हो गया है तुम्हारा, शरीर पहली जैसी मेहनत नहीं कर पाएगा। घोड़े का मन बड़ा बुझ गया। मालिक कृपया एक बार सोच लीजिए, मैं नहीं जाने को तैयार हूँ। तब किसान को जब लगा कि ये तो अड़ ही गया है, तो इसने कहा, ठीक है, तुम रहना चाहते हो तो एक शर्त है, वो शर्त पूरी कर दो तो मैं तुम्हें रखता हूँ। कौन सी शर्त मालिक? कोई भी शर्त आप कहेंगे मैं पूरी कर दूंगा, आपके पास रहने के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो तुम जंगल जाओ और वहाँ से शेर की एक खाल ला के मुझे दो। शेर की खाल? मालिक मैं, ये कैसा असंभव सा कार्य बता दिया आपने, शेर तो मुझे देखकर ही मुझ पर हमला करके मुझे खा जाएगा, मैं कैसे शेर की बराबरी कर सकता हूँ और उसके बाद शेर की खाल निकालूँ, उसके लिए मुझे शेर को मारना पड़ेगा, मैं ये कैसे करूँगा मालिक? नहीं कर सकते तो जाओ जंगल में जाके रहो। घोड़े को समझ में बात आ गई कि मालिक उसका पीछा छोड़ाना चाहता है, इसीलिए ऐसी असंभव सी शर्त रखी है। बिना कुछ कहे बुझे मन से आंसू टपकाते हुए घोड़ा जंगल की ओर चल पड़ा। उसके मन में इतनी पीड़ा थी, इतनी तकलीफ थी, लेकिन वो क्या कहता, उसकी पीड़ा उसका दुख किसान को न दिखा। किसान को अपना फायदा नजर आ रहा था, अपना नुकसान नजर आ रहा था। घोड़ा जंगल की ओर जब चला, सर झुकाए बुझे मन से धीरे धीरे कदमों से जा रहा था। कहाँ जा रहा था उसको उसका पता भी नहीं, उसको फिक्र भी नहीं, बस वो चला जा रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, अरे भाई घोड़िए, तुम इतने दुखी क्यों हो, इतने बुझे मन से चले जा रहे हो, ना इधर देखते हो ना उधर, क्या हो गया तुम्हें? घोड़े ने सर घुमाया और देखा लोमड़ी खड़ी है। लोमड़ी रानी, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे सर पर वज्रपात जैसा हुआ है। क्यों भाई, क्या हुआ, कुछ बताओगे भी? मेरे मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया, इतने वर्षों से मैंने उसकी सेवा की, उसका परिवार ही मेरा परिवार था, और आज मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, तो उसने कहा कि भाई तुम काम नहीं कर सकते अब उतना पहले जैसा, तो यहाँ मेरा घर छोड़ के जंगल चले जाओ। अब तुम ही बताओ लोमड़ी रानी, मुझे दुख नहीं होगा? मैं तो कहीं किसी को जानता भी नहीं, मैं जंगल में कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा, मैं तो अपने मालिक के बिना कभी नहीं रहा हूँ। लोमड़ी ने कहा, भाई ये पहली बात बार मैं नहीं सुन रही हूँ, ऐसा अनेक मालिकों ने जानवरों के साथ किया है, लेकिन तुम्हारी दशा देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम क्या करोगी लोमड़ी रानी, दुख हो रहा है और क्या हो सकता है? नहीं घोड़े भाई, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरी मदद? मेरी मदद कैसे करोगी लोमड़ी रानी? एक तरकीब है घोड़े भाई, अगर तुमने मैं जो कहती हूँ वैसा किया तो शायद तुम्हारी समस्या का हल हो जाए। समस्या का हल? मैं वापस मालिक के घर रहूँगा? अरे लोमड़ी रानी, तुम तो बड़ी ही सयानी हो, बुद्धिमती हो, चतुर हो, तुम्हारे मन में तरकीब आ गई? बताओ लोमड़ी रानी, जो भी कहोगी मैं करूँगा, बस मुझे अपने मालिक के घर रहने को मिल जाए। लोमड़ी ने कहा, ठीक है भाई, तो तुम सड़क के किनारे चुपचाप बिना हिले डुले लेटे रहना, मैं जाती हूं और जैसे ही मेरे आने की आवाज मिले अपनी सांस तक रोक लेना। ठीक है? ठीक है भाई, लोमड़ी रानी, ठीक, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, बोल के घोड़ा तुरंत सड़क के किनारे लेट गया। लोमड़ी चल पड़ी और दौड़ते हुए शेर के पास पहुंची। जय हो महाराज। अरे लोमड़ी रानी, ते बड़े दिनों बाद दिखी तुम,
वैसे तो आती नहीं, क्या बात है, आज रास्ता कैसे भूल गई? अरे महाराज, मैं तो एक बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ आपके लिए। हमेशा से आपकी वफादार रही हूँ, आज ये खुशखबरी सुनेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। खुशखबरी लेके आई हो, सुनाओ तो भला, ऐसी क्या खुशखबरी है जो मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा? अरे महाराज, सड़क के किनारे एक घोड़ा मरा पड़ा है, इतना बड़ा घोड़ा। महाराज, आपके लिए तो कई दिनों का खाना है, आपके साथ अगर आप अनुमति देंगे तो मैं भी थोड़ा सा खा लूंगी। इतना बड़ा घोड़ा तो हम दोनों के लिए कई दिनों का भोजन है। हैं? घोड़ा पड़ा है और मुझे शिकार भी नहीं करना पड़ा, बैठे बैठे घर भोजन आ गया। वाह वाह लोमड़ी, बड़ी ही बुद्धिमती निकली तुम। चलो मुझे दिखाओ घोड़ा कहाँ है, चलिए महाराज। ऐसा बोलकर उसको वो लेके गई घोड़े के पास। वहां घोड़े को पड़ा दिखा, शेर को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अरे हाँ लोमड़ी, तुम तो सही कह रही थी, सच में, और इतना बड़ा घोड़ा है ये तो। सच में तुमने ठीक कहा था, हम दोनों के लिए कई दिनों का भोजन है। अरे महाराज, एक समस्या है, इसको आप अगर यहाँ खाते हैं तो एक दिन में तो खा नहीं पाएंगे ना, फिर यहाँ छोड़कर जाएंगे तो जंगली जानवर आएंगे, देखेंगे, खा जाएंगे। इसको तो आपको अपनी गुफा में छुपाना पड़ेगा। लेकिन गुफा तक ले कैसे जाएंगे, इतना बड़ा घोड़ा है, इतना वजन है इसका, और मैं तो रही छोटी सी एक जान, मैं तो आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। आप घोड़े को गुफा तक कैसे ले जाएंगे? अरे हाँ लोमड़ी रानी, बात तो तुमने पते की, मैं इतने बड़े घोड़े को कैसे खींचता हुआ ले जाऊंगा, और अगर छोड़ दिया तो ये घोड़ा तो मेरे हाथ से चला जाएगा। अरे भाई, कुछ ना कुछ करो, और ये इतना बड़ा घोड़ा तो मैं एक बार में खा नहीं सकता। मुझे किसी को ये घोड़ा नहीं खिलाना, कुछ ना कुछ उपाय सोचो लोमड़ी, तुम्हारे पास तो ईश्वर ने बड़ी अच्छी बुद्धि दी है। सोचना पड़ेगा महाराज। अरे महाराज, तरकीब मिल गई क्या? बोलो बोलो। आप पीछे घूम के बैठ जाइए और फिर देखिए, मैं आपकी पूंछ से घोड़े की पूंछ बांध दूंगी, आप उठिएगा और जब जाइएगा घोड़ा आपके पीछे घिसटता घिसटता पहुंच जाएगा। अरे वाह वाह वाह, मान गए लोमड़ी रानी, क्या कुशाग्र बुद्धि पाई है तुमने। बोलकर खुश मन से वो शेर देखो घूम के बैठ गया। अब लोमड़ी रानी ने शेर की पूंछ की जगह पे पैर से ऊंट की पूंछ बांध दी, कस के घोड़े की, सॉरी बच्चों, घोड़े की पूंछ बांधती, कस के बांधी, और बांध कर घोड़े की पीठ को ऐसे थपथपा दिया। घोड़ा तो सब बातें सुन रहा था, समझ रहा था, जैसे ही उसे इशारा मिला वो खड़ा हो गया, और इसके पहले कि शेर को समझ में कुछ आता, घोड़ा दौड़ने लगा, टकबक 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 टकबक, और पीछे पीछे तो शेर घिसटता हुआ जाने लगा, इधर गिरा उधर गिरा, ये पटक वो पटक। घोड़े की पूंछ से बंधा था उसका पैर, वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था और चिल्ला रहा था, लोमड़ी तुमने मेरे पैर बांध दिए, मेरे पैर खोलो। लोमड़ी क्या बोलती, हंसते हुए वो घोड़े के साथ साथ चल रही थी। पूरे जंगल खींचता हुआ घिसटता हुआ शेर घोड़े की पूंछ से बंधा बंधा जाने लगा। इधर घोड़ा पूरी ताकत लगाकर अपने मालिक के घर की ओर चला। किसान को अपने घोड़े की टापों की आवाज आई, बोला ये कौन आ गया फिर से,
बाहर निकल के आया, देखा उसका घोड़ा आ रहा है। और जो दृश्य देखा, किसान की आंखें फटी की फटी रह गई। घोड़े के पूंछ से बंधा शेर, शेर घिसटते पिसटते लुढ़कते पटकते तो बुरी तरह से घायल हो गया था। और जब तक वो मालिक के घर पर पहुंचा, किसान के घर पर पहुंचा, इतने चोटों के बाद उसने वहां पर अपना दम तोड़ दिया और मर के लुढ़क गया। किसान को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने घोड़े को बहुत प्यार किया और कहा, तुम इतने बहादुर हो, और इतने बहादुर घोड़े को मैं चले जाने के लिए कह रहा था, मुझसे भारी गलती हुई। तुमने अपनी शक्ति का, अपनी बुद्धि का और अपनी वफादारी का खूब प्रमाण दे दिया। अब से अंतिम दम तक तुम मेरे पास ही रहोगे, कभी भी मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कहूँगा। ऐसा कहते हुए मालिक ने घोड़े को खूब प्यार किया और घोड़े को लोमड़ी की चतुराई पर बड़ा गर्व हुआ और उसने मन ही मन लोमड़ी रानी को बड़ा आभार जताया। तो बच्चों, देखा, हर समस्या का हल होता है। बताओ, घोड़ा कभी शेर की खाल ला सकता था? लेकिन ला दिया। सिर्फ लोमड़ी ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और जो कोई सोच भी नहीं सकता था, ऐसी योजना बनाई, ऐसी तरकीब निकाली और घोड़ा सच में शेर को लेकर हाजिर हो गया अपने मालिक की शर्त पूरी करने। बच्चों, हमें हमेशा किसी भी परिस्थिति में अपने दिमाग से सोचना चाहिए, हर संभव उपाय के लिए सोचना चाहिए। हो सकता है एक बार में कुछ समस्या का निदान ना समझ में आए, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम हार नहीं मानेंगे और अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ हल तो हमें मिल ही जाएगा। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है, आपको पता है क्या करना है, अपने माता पिता से कह के लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल बटन भी प्रेस करने को बोलिएगा, जिससे आपको सब नोटिफिकेशंस मिले अमू एंड यू चैनल की। अपने सब दोस्तों को ये कहानी सुनाइएगा, वीडियो शेयर करिएगा और अगले हफ्ते फिर से अमू के लिए इंतज़ार करिएगा। लेकिन अच्छे बच्चे बनकर, अमू के बच्चे बड़े अच्छे, ऐसा सब कहें, इस बात का मुझे इंतज़ार है। ढेर सारा प्यार, धन्यवाद।